नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। क्लब हाउस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी के मामले में 3 गिरफ्तार। आज बुझ गई अमर जवान ज्योति, नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पिता की संपत्ति पर बेटी को मिलेगा अधिकार। चुनाव अपडेट में कांग्रेस ने जारी किया युवा घोषणा पत्र, अखिलेश लड़ेंगे करहल से चुनाव। और नहीं थम रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले। अब खबरें विस्तार से। ऑडियो चैटिंग ऐप क्लब हाउस पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने गुरुवार देर रात गुड़गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस ने क्लब हाउस ऐप और सर्च इंजन गूगल को पत्र लिखा था और इस पत्र में ऑडियो ग्रुप के एडमिन्स का ब्यौरा भी मांगा था। इस ग्रुप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की गई थीं। पिछले एक साल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने की ये तीसरी घटना सामने आई है। इससे पहले 2022 के पहले दिन बुल्लीबाई नाम से एक पोर्टल पर सैकड़ों मुखर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एडिट करके नीलाम करने का मामला सामने आया था। यह सुल्ली डील्स की तरह का ही पोर्टल था जिस पर 2021 में इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने की भद्दी हरकत को अंजाम दिया गया था। बुल्लीबाई का विरोध होने के बाद पुलिस ने सुल्ली डील्स के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये जो नफरत है वो दिन ब दिन अलग अलग रूप में बढ़ती जा रही है। 1971 में भारत पाकिस्तान जंग में शहीद हुए सैनिकों की याद में 1972 में जलाई गई अमर जवान ज्योति आज बुझा दी गई। दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही इस ज्योति को आज 3:30 बजे इंडिया गेट के पास बने नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में शामिल कर लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति को एक बार फिर जलाएंगे। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद होने वाले 3,843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करें तो उसे केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2019 में बनाया है। विपक्षी पार्टियों के अलावा कई पूर्व सैनिकों ने भी इसे अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ बताते हुए इसको नहीं हटाए जाने की अपील भी की थी। दिसंबर 2021 में भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के 50 साल भी पूरे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि इंडिया गेट पर पहले से ही सेंट्रल विस्ता का काम जो है वो भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसके बेटी का हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों यानी अपने चचेरे भाइयों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्रेफरेंस दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले जो संपत्ति का बंटवारा हुआ था उस पर भी लागू की जाएगी। तमिलनाडु के एक मामले का निपटारा करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने ये 51 पन्ने का फैसला दिया है। इस मामले में पिता की मृत्यु 1949 में ही हो गई थी। उन्होंने अपनी स्वअर्जित यानी अपनी कमाई हुई और बंटवारे में मिली संपत्ति की कोई वसीयत नहीं लिखी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने पिता के संयुक्त परिवार में रहने के चलते उनकी संपत्ति पर उनके भाई के बेटों को अधिकार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिता की इकलौती बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया है और ये जो मुकदमा था वो बेटी के वारिस लड़ रहे थे। और अब जानते हैं विधानसभा चुनाव अपडेट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस का युवा घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है और कहा है कि 8 लाख महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। नौकरी में 40% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी कांग्रेस ने कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने गुरुवार को यह ऐलान किया। करहल से मुलायम सिंह यादव का गांव जो सैफई है वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे भी सपा का गढ़ माना जाता है। संभल जिले में असमोली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता एवं कोविड-19 दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में आज FIR दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 703 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 2,50,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 94,700 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 20,18,000 से ज्यादा हो गई। वहीं वैक्सीन की बात करें तो देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ 43 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 70,50,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई। और इसी के साथ आज के न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए, हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।